भागलपुर के परबत्ती में मुहर्रम जुलूस में काली मंदिर में पत्थरबाजी मामले में भाजपा आंदोलित है। भागलपुर में जहां एक तरफ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे 3 दिनों से अनशन पर है, वहीं आज भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला। महिला नेत्रियों ने कथित अर्थी को कंधा दिया। जुलूस स्टेशन चौक से निकलकर समाहरणालय चौक तक पहुंचा, जहां अर्थी दहन कर नीतीश कुमार व जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बता दें, बीते दिनों मुहर्रम जुलूस के दौरान भागलपुर में काली मंदिर में असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी थी, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन अधिकारियों ने हालात को नियंत्रित कर लिया था। हालांकि असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी नहीं होने से भागलपुर भाजपा में नाराजगी देखी जा रही है। ये हम सभी लोगों ने यह तय किया है कि जब तक इन दोनों घटनाओं में जो भी लोग संलिप्त हैं, वह चाहे भागलपुर में पर्वती काली मंदिर में जो उपद्रवियों ने जो पत्थरबाजी किया है, वहाँ के मंदिर को जिसने क्षतिग्रस्त करने का काम किया है, और नौगछिया में हमारी जिस बहन के आंख फोड़ने का काम उस ताजिया जुलूस के उपद्रवियों ने किया है, उन सभी की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है तब तक हम लोगों का यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। और प्रशासन इस पूरे मामले की लीपापोती करने में लगी हुई है। कैसे जिस जगह पर घटना घटी है वहाँ के लोगों के अंदर भय उत्पन्न कराकर इस पूरे घटना को कैसे हम रोहित पांडे जी अनशन पर हैं, प्रशासन की ओर से सिर्फ एक एफआईआर के बाद एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह मांग के साथ यह अनशन चल रहा है कि जो असामाजिक तत्व जिस अदरबी लोगों ने अब माँ बुढ़िया काली के मंदिर पर पथराव किए हैं, उस गेट को क्षतिग्रस्त किया है, वैसे वो सामाजिक पद जिनको आपने चिन्हित किया है, जिस पर एफआईआर आपने किया है, उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो। लेकिन प्रशासन के द्वारा एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और धीरे धीरे यह आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में ले रहा है। उसकी प्रवृत्ति है कि आज जो है नीतीश कुमार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जिला प्रशासन का एक अर्थी जुलूस के रूप में कि आप यहाँ नाकाम है, आपकी विफलता है, आपके प्रशासन की विफलता है कि मंदिरों की और हमारी आस्था की रक्षा नहीं हो पा रही है, इस कारण आज यह पुतला दहन या अर्थी जुलूस यहाँ पर आकर उनका हम लोग दहन कर रहे हैं और आज भी चेताने का काम कर रहे हैं कि आप न्याय करिए, बिहार में न्याय नहीं है। और यहाँ नौगछिया में भी घटना घटी, उसमें भी एक बच्ची जिसका आंख क्षतिग्रस्त हो गया बम के कारण। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून लुक सलून। लुक सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। सुल्तानगंज में अंतरजातीय प्रेम प्रसंग का मामला आने के बाद महिला हेल्प डेस्क थाना के द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर लड़के और लड़की की शादी रचा दी गई। बता दें कि गोड्डा जिला के ठाकुरंगरी थाना अंतर्गत रूजी गांव के रहने वाले सावित्री कुमार को भागलपुर जिले के नौगछिया शहर के सदवा गांव के रहने वाले प्रभात कुमार शाह से प्रेम हो गया था, जिसके बाद दोनों ने घर से भागकर शादी रचा ली। जिसके बाद युवती के घर वालों ने किसी तरह युवती को घर बुला लिया और युवती को मौसी के घर में कैद कर दिया गया था, मगर युवती किसी तरह मौसी के चुंगल से भाग गई और लड़के को मोबाइल पर सूचना दी, जिसके बाद लड़के ने सुल्तानगंज थाना हेल्प डेस्क में लिखित आवेदन दिया और हेल्पलाइन थाना के इंस्पेक्टर किरण सोनी ने तत्परता दिखाते हुए युवती सावित्री कुमारी को कुम्हार गली के रहने वाले घनश्याम महलदार के घर से बरामद किया, जिसके बाद लड़का एवं लड़की पक्ष के लोगों को बुलाकर आपसी समझौता कराते हुए बालिग युवती के बयान पर थाना के समीप हनुमान मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी रचाई गई। वहीं शादी
देखने वालों की भीड़ लग गई। महिला हेल्प डेस्क पुलिस कर्मी सहित अन्य लोगों ने युवक व युवती के प्रेम प्रसंग देख जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद दिया। कैसे प्रेम प्रसंग हुआ था? कहाँ का ये लड़का है? क्या नाम है पति का? आप लोग में 3 साल से। अच्छा अच्छा, किसी राजू खुशी से शादी कर लिए हैं। कहाँ प्रेम चल रहा था आप लोग का? मेरा रुंजे गांव झारखंड डिस्ट्रिक्ट राज्य में गोड्डा जिला। गोड्डा जिला। कैसे प्रेम हुआ था लोग? प्रेम कितने साल से प्रेम करते? 3 साल से। अच्छा, तो कैसे प्रेम हुआ था? हम पहले मंदिर पे जाते थे डेली बचने के लिए, तो लड़की भी आती थी, ऐसे ही धीरे धीरे। वहाँ क्या आपका घर है गोड्डा में? क्या था? मेरा ननिहाल है। और नानी घर में जी, वहीं से प्रेम हुआ? जी जी। किससे प्रेम हुआ, नाम उसका? सावित्री कुमारी से। अच्छा, तो यहाँ पर आज शादी हुआ जी थाना में? जी। किनके द्वारा शादी कराया गया? मैम किरण मैम के द्वारा। क्या आवेदन दिए थे आप लोग? राजी खुशी से। क्या आवेदन दिए थे आप लोग? बात है कि जब शादी किए थे 17 तारीख को। हाँ, 17 तारीख को शादी किए थे। इसका गार्जियन जबरदस्ती भाई जबरन घर से लेके आ गया। हाँ, और फिर मैसेज की सावित्री कुमारी ने हमको, मेरा वाइफ ने मैसेज की हमको कि हमको जबरदस्ती मैसेज किया रखा गया। कैसे रखा था? राजी खुशी से हुआ। मेरा राजी खुशी से हुआ। क्या फैसला हुआ? फैसला तो यही हुआ कि जो भी लड़का लड़की गलती किया उसको मैंने माफ़ किया, स्वीकार कर लिया। प्रेम प्रसंग शादी? हाँ, दोनों का। कहाँ हुआ शादी? शादी रुंजी गांव का है लड़की और सदवा का लड़का। अभी शादी कहाँ हुआ? सदवा अभी मंदिर में हुआ, यहाँ थाना की निगरानी में, पुलिस की निगरानी में। पुलिस की निगरानी में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार शाह। घर हुआ सदवा। लड़का का क्या नाम? प्रभात कुमार भारती। इस शादी में कोई दहेज वहेज भी लिया गया? कोई दहेज नहीं लिया जाएगा क्या? कोई दहेज नहीं लिया गया है, ना मांग है ना कुछ। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के नौगछिया थाना अंतर्गत मकनपुर चौक पर आपसी विवाद में अपराधियों ने 9वीं के छात्र को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अनफणन में स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत चिंताजनक बताई है। घायल की पहचान नौगछिया SC/ST थाना के होमगार्ड जवान संतोष कुमार की 16 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाबत छात्र की मां ने बताया कि उसी गांव के राजा ने आपसी विवाद में उसके पुत्र को गोली मारी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वो गेम खेल रहे मोबाइल में, पहले इसको झगड़ा झाँटे हम नहीं जुड़े जी। आज कैसे क्या हुआ? हम बस इतने जुड़ी जी, घर आई ले मोबाइल लग गया ले, फिर वहाँ से फोन नहीं लगी, यहाँ आकाश का गोली मारी दिले जी, तो मैं ना आ रही है तुरंत, मैं तो आ लिए पहले की होलो मैं कुछ चू नहीं जुड़े। गाँव का लड़का था? हाँ। गाँव में का है? हाँ। गेम खेलने में पहले भी विवाद हुआ था क्या? नहीं। पैसा वैसा भी हर चीज हो गाँव की बता दो। हम नहीं जुड़े जी, कुछ चू नहीं। क्या नाम है बेटा का? आकाश कुमार। कितना उम्र? 16 साल। क्या करता आकाश? पढ़ाई जी। कौन क्लास? नमम। कहाँ घर? कहाँ? सिंधिया मकनपुर। नौगछिया पुलिस जिला के कदवा ओपी की पुलिस ने बाबा बिसुराउत सेतु पर से लूट की योजना बना रहे 2 आरोपितों को हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार किया। नौगछिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP सुशांत कुमार सरोज ने PC कर जानकारी देते हुए बताया कि कदवा ओपी प्रभारी नरेश कुमार को जानकारी मिली थी कि बाबा बिसुराउत सेतु के पास हथियार के साथ आरोपित अपराध की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए कदवा ओपी प्रभारी ढोलबज्जा थाना अध्यक्ष पंकज कुमार, कदवा ओपी प्रभारी नरेश कुमार, ढोलबज्जा थाना अध्यक्ष पंकज कुमार, महिला थाना अध्यक्ष पूनम कुमारी, SDSC थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने छापेमारी की। पुलिस ने मधेपुरा जिला पुरैनी निवासी कुख्यात फतेह आलम, इसके रिश्तेदार इसाकचक निवासी हिरसुआ को
हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि इसाक चक्का कासिम पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अपराधियों के पास से एक कट्टा, एक देसी पिस्तौल, 7 गोली, लूट का रुपया पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने लूट में बरामद किए गए मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। आरोपितों में फतेह के विरुद्ध 2 दर्जन से अधिक लूट के मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। वहीं हिरवा के विरुद्ध 20 मामले दर्ज है। फतेह ने कदवा ओपी क्षेत्र, नौगछिया थाना, प्रवत्ता खरीक थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक लूट के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इन सभी अपराधियों के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जाएगी। इनके बहुत से साथी जमानत पर रहते हुए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसका बेल कैंसिल कराकर गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, नौगछिया थाना अध्यक्ष भारत भूषण, कदवा ओपी प्रभारी नरेश कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। कोशिश होगी, ये 2 अपराधी पकड़े गए, अभी 2 अपराधी और भी फरार चल रहे हैं। दोबारा एक और अज्ञात है, इस बारे में पता नहीं चल पा रहा है। वो जब गिरफ्तारी होगी 2 और अपराधी का, तो जो 5वां जो फरार हुआ है वो जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और हम लोगों की कोशिश होगी कि स्पीडी ट्रायल चलाएं ताकि सजा इसको मिले और कांडों पर ये लगाम लगाई जा सके। कितने मामले में फरार है ये अब हम लोग पूरा रिकॉर्ड देख रहे हैं, है ना। मैंने पहले कहा कि जो फतेह आलम पर कम से कम होगा तो 20 केस है, हिरवा जो भागलपुर का है वो 24-25 से कम कांड नहीं है, अगर जो काशी में उस पर लगभग 10-12 कांड से कम नहीं है। बहुत कांड में बेल पर है, कुछ कांड में फरार है। जिस कांड पे वो बेल पर है वो निर्देश मेरा पहले भी दिया गया है, हमने पहले किया भी है। और आपको खुशी होगी कि यहाँ पर एक दुर्दान अपराधी का बेल कैंसिल भी हुआ है, हम लोग वो भी कार्रवाई करते हैं। तो जिस कांडों में फरार दिखाया गया है और वो बेल ले लिया है, तो हम लोग उसका बेल कैंसिल भी करवाएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि कितने कांडों में वांछित था, उसमें लोग रिमांड करवाएंगे, और जिस कांड में ये बेल पर था और बेल पर रहते हुए क्राइम किया। इन दिनों भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया के प्रवत्ता थाना क्षेत्र के बढ़िया लालपुर की रहने वाले गोपाल ठाकुर अपनी पुश्तैनी जमीन को जबरन कब्जा कर रहे लोगों से बचने के लिए लगातार थाना और अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं। गोपाल ठाकुर ने बताया कि उनका 19 डिसमिल पुश्तैनी जमीन है, लेकिन पड़ोसी शिक्षक नंदकिशोर मंडल जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर मकान बना रहे हैं, जबकि उस जमीन पर धारा 144 लागू है। और स्थानीय थाना को जब इस बात की जानकारी दी गई और जब थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो नंद किशोर मंडल शिक्षक के लड़के और भतीजे पुलिस का वीडियो बनाने लगे। इसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई। गोपाल ठाकुर का कहना है कि वो निहायत ही गरीब परिवार से आते हैं और उसे सरकार और जिला प्रशासन से न्याय मिलनी चाहिए। मामला जमीन विवाद का है, जमीन वो जबरन अपना घर बना रहा है, इसके जमीन गोपाल ठाकुर के जमीन में। कौन जबरन बना रहा है? नंद किशोर मंडल उर्फ जय किशोर मंडल। जबरन काहे बना रहा है, कुछ तो कारण होगा। ये हमारा जमीन है। अच्छा, कागज पत्र है उसके पास? जबरन जब कागज पत्र है। अच्छा, थाना में आवेदन दिया था? ये सब जगह आवेदन दिए, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी अनाज आप कहाँ आए थे? डीआईजी के पास गए थे। आज डीएम और डीआईजी के पास गए थे, मिले? नहीं मिला तो कोई नहीं। आवेदन दे दिए ना? आवेदन दे दिए, रिसीविंग है। रिसीविंग है ना, आश्वासन दिया ना? जी आश्वासन। क्या मामला था? डीएम साहब के यहाँ आए थे और डीआईजी साहब के। मामला क्या था आपका? मामला है जमीन का सर। मेरा जमीन का क्या मामला? मेरा खतियानी जमीन है, 19 दिसंबर राघोपुर पंचायत में बसोबासी। आनंद किशोर मंडल घर नहीं बनाने देता है, कहता है कि तुम्हारा जमीन नहीं है यहाँ, और मेरा खतियानी जमीन है। खतियान सब है तुम्हारे पास? हाँ सर। वहाँ के थाना में आवेदन दिए थे? बहुत बार दिए सर थाना में। वहाँ थाना वाला कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया सर। वो घर बनाने लगा तो हमने 144 कर दिए कि वो हमारे घर जमीन पे नहीं बना है, लेकिन फिर भी 144 होने के बावजूद भी वो घर बना रहा है सर। तो थाना वाला कोई एक्शन नहीं लिया? थाना वाला एक दिन आया था और वो लोग जो है ना थाने वाले के साथ भिड़ गया। अच्छा। हाँ तो इसी का नाज तुम डीएम और डीआईजी साहब के पास आए हो? हाँ सर। मिले? नहीं सर। भागलपुर के लाजपत पार्क परिसर में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत ने 100 छायादार वृक्ष लगाया। जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ
प्रियंका जसवाल द्वारा एक आवेदन जिला वन पदाधिकारी भागलपुर को देकर 100 पौधे की मांग की गई थी। इस पर वन अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए पौधा उपलब्ध कराया, जिसके तहत भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में लगभग 100 पौधों को लगाया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ प्रियंका जायसवाल, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजीत कुमार सिंह, बिहार के प्रदेश सचिव मृत्युंजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सुबोध कुमार भारती, जिला अध्यक्ष पूर्णिमा खुशबू कुमारी, जिला उपाध्यक्ष रूपा सिंह, जिला सदस्य समिधा रमन, अनुश्री सहित संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। में हमारा संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन की तरफ से वृक्षारोपण का आज कार्यक्रम रखा गया था और ये कार्यक्रम लेटर पैड के द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया था कि हमको 200 पौधा चाहिए और ये हमारे वरिष्ठ जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ की प्रियंका देसवाल महिला प्रकोष्ठ की उनके द्वारा उनका विशेष योगदान रहा है लेटर पैड पर लिख के दी जिसके कारण यहाँ कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य था। लगभग 200 पौधा। कितने वृक्ष लगाया गया? लगभग 100 वृक्ष को लग चुका। किस किस तरह का वृक्ष लगाया हुआ है यहाँ? सभी तरह के वृक्ष वन विभाग जो उपलब्ध कराए हैं, जैसे फलदार या छायादार? छायादार, विशेष रूप से छायादार वृक्ष लगाया गया है। 100 वृक्ष लगाए? हाँ जी, तो फिलहाल 100 वृक्ष लग चुका है लक्ष्य पार्क में। और क्या सोच है आपके संगठन का? हमारे संगठन में ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम करने के लिए हम लोग सोचते हैं गरीब एवं असहाय लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही है कि शुद्ध वातावरण, सबको अच्छा स्वच्छ हवा सांस ले, जिससे कि बीमारी जब भी बना पर्यावरण। ये कार्यक्रम आप जो संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, इसका समाज में क्या उद्देश्य होगा? समाज में उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों का मदद करना और वृक्षारोपण से सभी को स्वच्छ सांस ले सके, बीमारी को दूर हो और शुद्ध वातावरण हो।